गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बच्चों, मैंने आपको इससे प्रीवियस क्लास में मैथ्स का चैप्टर 14 कराया था, ठीक है। तो आज हम मैथ्स में वर्कशीट्स देखेंगे, तो वर्कशीट की एक्सरसाइज 47 करेंगे आज हम, ठीक है। अभी आपकी एक्सरसाइज 46 रह गई है, तो उसको हम बाद में करेंगे। पहले मैं आपको एक्सरसाइज 47 कराती हूँ, तो उसे हम अच्छे से समझते हैं क्या है उसमें और ऐसे क्वेश्चंस को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। सिंपल यहाँ पर वही है कि आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपको उनको एल्जेब्रिक इक्वेशंस में चेंज करना है। देखिए फर्स्ट क्या है, 2/3 ऑफ अ नंबर, मतलब एक नंबर का क्या 2/3 एडेड। देखिए इसका मतलब क्या होता है, 2/3 ऑफ अ नंबर, 2/3 ऑफ अ नंबर का मतलब है हमने कोई भी नंबर मान लिया एक्स, कोई भी नंबर हमने मान लिया एक्स, उसका 2/3, तो 2/3 का मतलब होता है 2/3, 2/3 मीन्स 2/3 और ऑफ अ नंबर मतलब एक्स नंबर का, तो 2/3 एक्स, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं इसको 2x/3, ठीक है। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं 2x/3 एडेड मतलब प्लस, एडेड का मतलब सभी को पता है प्लस। किस में ऐड किया जाता है, 1/3 ऑफ इट, मतलब नंबर के 1/3 में। अब इस 1/3 का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया 1/3 मतलब 1/3 और इट मतलब उसी नंबर के, तो 1/3 एक्स, ठीक है। गिव्स 12, तो क्या मिलता है हमें, 12 मिलता है, मतलब इक्वल में क्या आएगा 12, क्या आएगा इक्वल में 12। तो क्या बनी इसकी इक्वेशन, देखिए 2x/3 प्लस 1x/3 इक्वल टू 12। आई समझ में सभी बच्चों को, आया समझ। अब क्या है, फाइंड द नंबर, आपको नंबर भी निकालना है, मतलब आपको करने के बाद नंबर भी निकालना है कि आखिर वो x नंबर क्या होगा, मतलब आपको x नंबर भी निकालना है कि वो x नंबर क्या होगा। तो हम पहले सॉल्व बाद में करेंगे, पहले हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखिए क्या है सेकेंड वाला, 5/4 ऑफ अ नंबर, इसका मतलब एक नंबर का 5/4, तो 5/4 का मतलब सभी को पता है क्या होगा, 5/4 मतलब 5/4 और x, 5x/4। अब एडेड मतलब प्लस, एडेड का मीन्स प्लस, किस में ऐड किया जाता है, 2/3 ऑफ इट, तो 3/4 मीन्स 3/4 किसके नंबर के, ठीक है। यील्ड्स 40, तो यील्ड्स मतलब इक्वल, क्या आता है इसे सॉल्व करने के बाद 40 आता है, क्या आता है बच्चों 40 आता है। तो आपको क्या करना है, फाइंड द नंबर, तब आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो पहले हम इक्वेशंस बना लेते हैं, फिर मैं आपको x की वैल्यू निकालना सिखाऊंगी। चलिए चल, अब मैं आपको इसकी निकालना सिखाती हूँ x की वैल्यू, देखिए कैसे करेंगे। ये पहले वाले क्वेश्चन की इक्वेशन यही थी, कैसे सॉल्व करेंगे सो हम समझते हैं। देखिए जैसे फ्रैक्शन होते हैं, तो फ्रैक्शन में हम उनके सम्स को कैसे सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। तो हम 3 और 3 का एलसीएम लेंगे, क्या आएगा 3 ही आएगा। अब 3 से 3 को डिवाइड कीजिए, कितना आंसर आया 1, और 1 का मल्टीप्लाई हम किस में करेंगे 2x में, तो क्या आ गया 2x, ठीक है। प्लस 3 का 3 में कीजिए, 3 को 3 से डिवाइड कीजिए, कितना आया आंसर 1, और 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1x। देखिए आप 1x लिख लीजिए या x लिख लीजिए, बात एक ही है, क्योंकि अगर कुछ भी आगे कोफिशिएंट नहीं होता है उसके आगे, तो वो 1 ही माना जाता है, इक्वल 10, ठीक है। अब आप मुझे बताइए 2x में हम 1x ऐड करेंगे तो क्या आएगा आंसर, बताइए 2x में हम 1x ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 3x, क्या आएगा आंसर 3x, तो 3x/3 इक्वल टू 12। देखिए हम आगे की वर्कशीट्स में जो वर्कशीट की जो एक्सरसाइजेस थी उसमें हम डिवाइड करना भी सीखा है, हमने मल्टीप्लाई करना भी सीखा है, ऐड करना भी सीखा है, सबट्रैक्ट करना भी सीखा है, तो वही हमें यहाँ पर यूज़ करना है बस, ठीक है।
अब क्या है ये 3x/3 इक्वल टू 12। आया समझ सभी बच्चों को? अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? x की। अब आप ये देख रहे हैं, आप इसे एक ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि आप ये 3 से 3 को कैंसिल कर दीजिए, तो क्या रह गया ओनली x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 12। कितनी आ गई x की वैल्यू? 12। कितनी आई बच्चों x की वैल्यू? 12। आया समझ सभी बच्चों को? या फिर आप ऐसे भी कर सकते थे कि 3x/, ये इधर 3 के साथ डिवाइड में है LHS में, तो RHS में आके किसका हो जाता? मल्टीप्लाई का। तो 12 × 3 हो जाता, तो 12 × 3 में कर लेते हैं आप 36, और x इक्वल टू वैल्यू क्या आती? 36/3। तो भी आप इसको इससे कैंसिल करते तो x की वैल्यू कितनी आती? 12 ही आती। तो ये इजी है ना ज़्यादा, कि हमने 3 से 3 को कट कर दिया तो आपकी फटाफट वैल्यू आ गई। तो x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? 12। आया समझ? कैसे निकाली मैंने? पहले LCM लिया, सॉल्व किया और फिर x की वैल्यू निकाल ली। अब जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 किया था वो इक्वेशन सॉल्व करते हैं हम उसकी। उसकी ये इक्वेशन थी, तो हम सबसे पहले क्या लेंगे? LCM। LCM कितना आया? 4 × 4 = 4। 4 से 4 को डिवाइड कीजिए, कितनी बार जाएगा? 1 बार। 1 का मल्टीप्लाई 5x में, 5x ही आ जाएगा। यहाँ पर 4 से 4 को डिवाइड कीजिए, 1 बार। कितनी बार डिवाइड होगा? 1 टाइम। ठीक है, 1 का मल्टीप्लाई हम 3x में करेंगे, आंसर क्या आएगा? 3x = 40। 5x + 3x बताइए कितना आंसर आएगा? 8x। 8x/4 = 40। ठीक है, अब आप देख रहे हैं 4 से ये 8 कैंसिल हो जाएगा। 4 से हम 8 को डिवाइड कर सकते हैं, कितनी बार डिवाइड होगा? 2 बार। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? 2x। कितना आ जाएगा यहाँ पर? 2x = 40। आया समझ? अब मुझे केवल किसकी वैल्यू निकालनी है बच्चों? x की। तो मुझे यहाँ से 2 को हटाना होगा। अब ये जो 2 है वो x के साथ क्या है? मल्टीप्लाई में है, तो इधर आके RHS में आके किसका हो जाएगा? डिवाइड का। और 2 से हम 40 को डिवाइड करेंगे, कितना आंसर आएगा? 20। कितना आंसर आएगा बच्चों? 20। आया समझ सभी बच्चों को? आया? तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 20। आई समझ? तो आपको इस तरीके के इक्वेशंस को इस वे में सॉल्व करना होता है। पहले आप LCM लेते हैं, फिर आफ्टर दैन उन्हें आप सॉल्व करते हैं। और हमें x की वैल्यू निकालनी है, मतलब नंबर निकालना है, तो x की वैल्यू आ गई। चलिए अब आगे देखते हैं हम। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 3। 4/7 मतलब 4/7 ऑफ अ नंबर मतलब x, तो 4x/7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, सब्ट्रैक्ट किया जाता है किसमें से? 6/7 ऑफ इट। तो पहले सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, तो ये फ्रॉम वाली बात हम पहले लिखेंगे, तो 6 इसे हम हटा देंगे। ठीक है, क्या आएगा? 6x/7। ठीक है, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है ना, इसको पहले लिखा जाएगा -4/7, तो 4/7x। ठीक है, yields 12, तो इक्वल में क्या आ जाएगा बच्चों? 12। क्या आ जाएगा इक्वल में? 12। आई बात समझ में सभी बच्चों को? तो इसकी इक्वेशन क्या बन गई? 6x/7 - 4x/7 = 12। आई बात समझ में सभी बच्चों को? तो इसी तरीके से अब आपको ये 4 और 5 करना है। और सॉल्व कैसे करेंगे? जैसे अभी हमने इक्वेशंस आपको, मैंने 2 इक्वेशन सॉल्व करके दिखाई थी, इसी वे में आपको इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। बस यहाँ से माइनस साइन है तो वहाँ पे माइनस हो जाएगा, प्लस है तो प्लस साइन आ जाएगा। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्या है 6 वाला बच्चों, द क्वेश्चन ऑफ एक्स एंड 7। इसका मतलब समझिए, द क्वेश्चन ऑफ एक्स एंड 7 का मतलब है एक्स और 7 का क्वेश्चन। तो एक्स और 7 का क्वेश्चन क्या होगा बच्चों? जब हम एक्स को 7 से डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो क्या होगा? क्वेश्चन। ठीक है,
तो द कोशेंट ऑफ एक्स एंड सेवन का मतलब है एक्स अपॉन सेवन. ठीक है, एडेड मतलब प्लस किस में ऐड किया जाता है, एक्स में ऐड किया जाता है. यील्ड्स वन, तो आंसर क्या आता है, वन. ओके, अगला देखिए, द कोशेंट ऑफ एक्स एंड टू मतलब एक्स और टू का कोशेंट, इसका मतलब क्या हो गया, एक्स अपॉन टू. एडेड मतलब ऐड किया जाता है किस में, कोशेंट ऑफ एक्स एंड थ्री, एक्स और थ्री के कोशेंट में, मतलब एक्स अपॉन थ्री. ईल्स मतलब आंसर क्या आता है, 15. क्या आता है आंसर, 15. आई पास हमने सभी बच्चों को. देखिए अब मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाती हूँ, उसी वे में आपको इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करना है. जैसे हमने एलसीएम लेकर इनका सम सीखा है ना, फ्रैक्शन में एलसीएम से कैसे सम लेते हैं, वैसे ही हमें करना है. देखिए यहाँ पर अपॉन में डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो मैंने आपको बताया था जब कुछ नहीं होता है डिनोमिनेटर में तो हम क्या मानते हैं, वन. तो अब आपको यहाँ पे किन का एलसीएम लेना पड़ेगा, वन और सेवन का. तो फ्रैक्शन में हमने सम करना सीखा है, बस उसी का आपका यूज़ करना है. आप एक्स को तो साइड में रखिएगा, जैसा आप फ्रैक्शन में सम्स करते हैं वैसे ही आपको सम्स करने हैं. देखिए क्या है, x अपॉन टू प्लस एक्स अपॉन थ्री इक्वल 15. तो यहाँ पर हमें 2 और 3 का क्या लेना होगा, एलसीएम. तो हम 2 और 3 का क्या लेंगे, एलसीएम. देखिए इस तरीके से ही लेंगे हम 2 और 3 का एलसीएम. क्या आएगा एलसीएम, 2 मल्टीप्लाई 3, तो क्या आएगा, 6. एलसीएम कितना आ गया, 6. अब हम 6 को 2 से डिवाइड करेंगे, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा आंसर बताइए, 3. और 3 का मल्टीप्लाई हम किस में करेंगे, x. तो क्या आ जाएगा, 3x प्लस 3 को 3 से 6 को डिवाइड कीजिए, 3 से 6 को डिवाइड कीजिए, कितना आएगा आंसर, 2. 3 से जब हम 6 को डिवाइड करें, देखो इसका मतलब यही तो ना, 3 से 6 को डिवाइड करना है, तो कितना आएगा आंसर, 2. और 2 का मल्टीप्लाई x में किया, 2x इक्वल टू 15. ठीक है, 3x प्लस 2x कितने हो जाएंगे, 5x अपॉन 6 इक्वल टू 15. अब 5x इक्वल टू, ये इधर 6 डिवाइड में है, इधर आके किसके हो जाएंगे बच्चों, मल्टीप्लाई के. ठीक है, आया समझ सभी बच्चों को. अब देखिए यहाँ पर हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, ओनली x की. किसकी वैल्यू निकालनी है, ओनली x की. तो हम x को यहीं लिखा रहने देंगे, 15 मल्टीप्लाई 6, और ये 5 इसके साथ किस में है, मल्टीप्लाई में. तो सिंपली किस में आ जाएगा, डिवाइड में. किस में आ जाएगा, डिवाइड में. अब हम 5 से 15 को डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा, 3 बार. और 3 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे, 18. तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 18. कितनी आ गई x की वैल्यू, 18. आया समझ. तो इसी तरीके से आपको बाकी सारी इक्वेशन भी सॉल्व करनी है, क्योंकि इनके डिनोमिनेटर अलग है. तो फ्रैक्शन में जब डिनोमिनेटर अलग होते हैं सम, तो डिनोमिनेटर अलग होते हैं तो उसका सम ऐसे ही तो करते हैं हम, एलसीएम लेके. और फिर क्या करते हैं, देखिए हम ये देखेंगे कि 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, और जो भी आंसर आता है उसका हम एक्स में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई. अगर आपको फ्रैक्शन में सम करना अच्छे से आपने सीखा है तो आपको यहाँ पर बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं होगी, दिक्कत नहीं होगी. ठीक है, देखिए एक्सरसाइज 48 आप देखेंगे तो वो भी सेम इसी वे में है. देखिए क्या है, द क्वेश्चन ऑफ एक्स एंड थ्री सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, सब्ट्रैक्ट की जाती है. तो पहले हम ये वाली वैल्यू लिखेंगे, द क्वेश्चन ऑफ एक्स एंड टू, एक्स और टू का क्वेश्चन, एक्स और टू का क्वेश्चन मतलब एक्स अपॉन टू. सब्ट्रैक्ट किया जाता है क्या, द क्वेश्चन ऑफ एक्स एंड थ्री, एक्स और थ्री के क्वेश्चन में से, एक्स अपॉन थ्री. और इक्वल में क्या आता है, इक्वल्स 5, मतलब इक्वल में आंसर क्या आता है, 5. क्या आता है इक्वल में आंसर बच्चों, 5. अगला देखिए, सेकेंड वाला देखते हैं हम. पहले हम फ्रॉम वाली बात पहले लिखेंगे ना, ठीक है, उसमें से सब्ट्रैक्ट किया जाता है. तो क्वेश्चन ऑफ वाई एंड टू, वाई एंड टू का मतलब y अपॉन टू. सब्ट्रैक्ट किया जाता है क्या, y एंड 4, मतलब y अपॉन 4. इस क्वेश्चन में से सब्ट्रैक्ट किया जाता है, तो आंसर क्या आता है बच्चों, इक्वल्स 10. तो आंसर क्या आता है, 10. तो इसी तरीके से हम इसकी इक्वेशन को एलसीएम लेके ही सॉल्व करेंगे. देखिए कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों,
देखिए सबसे पहले हम 2 और 4 का एलसीएम लेंगे। देखिए 2 और 4 का हमने एलसीएम लिया। जब आप 2 और 4 का एलसीएम निकालेंगे देखिए क्या आएगा, है ना, 1 बार फिर 2 1 और 1। ओके आई बात समझ में सभी बच्चों को? तो एलसीएम कितना आया 2 और 4 का, 4 आया, समझ? अब जिस तरीके से आप फ्रैक्शंस को सब्ट्रैक्ट करते थे आपको वही तरीका अप्लाई करना है। आप 2 से 4 को डिवाइड कीजिए, 2 से 4 को हम डिवाइड करेंगे कितना आएगा 2, और 2 का मल्टीप्लाई हमने y में किया 2y। साइन किसका है, माइनस का, माइनस का साइन ही लगा रहेगा। y 4 से 4 को डिवाइड कीजिए, 4 से 4 को डिवाइड कितना आएगा आंसर 1, 1 का मल्टीप्लाई y में y इक्वल टू 10। आप यहाँ 1y भी लिख सकते हैं या सिंपली y भी लिख सकते हैं। अब 2y में से 1y गए कितने बचे, ओनली y, तो y अपॉन 4 इक्वल टू 10। ओके अब देखिए हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, y की। तो हमें यहाँ पे ये जो डिवाइड में 4 है उसको हटाना होगा। अब ये आप देख रहे हैं ये LHS साइड है और ये RHS साइड, तो LHS से हम इसको कहाँ ले जाएंगे, RHS में। अब 4 LHS में डिवाइड में है तो RHS में जाके किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो 10, अब ये 4 इधर मल्टीप्लाई में, तो 10 मल्टीप्लाई 4 तो कितना आ जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई हम 10 में करेंगे 40। तो y की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 40 आया समझ, y की वैल्यू क्या आ गई 40। तो आपको इसी तरीके से x दिया है तो x की वैल्यू निकालनी है, y दिया है तो y की वैल्यू निकालनी है, z दिया है तो z की वैल्यू निकालनी है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम थर्ड वाला देखिए, द क्वेश्चन ऑफ y एंड 5, मतलब y अपॉन 5, इसका मतलब आप समझ जाइए क्या होता है। एडेड मतलब प्लस किया गया, किस में ऐड किया गया, क्वेश्चन ऑफ y एंड 3। तो आप बताइए y और 3 के क्वेश्चन को, y अपॉन 3 इक्वल्स मतलब इक्वल, 24 मतलब 24। आई बात समझ सभी बच्चों को? इसी वे में आपको अब ये तीन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है खुद। तो मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आज समझाए, उन्हीं बेस पर आज आपको होमवर्क में एक्सरसाइज 47 और एक्सरसाइज 48 करनी है, ठीक है। एक्स की वैल्यू निकालनी है, अगर वाई दिया है तो वाई की वैल्यू निकालनी है, जेड दिया है तो जेड की वैल्यू निकालनी है। आई बात समझ में बच्चों को? अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मिलूंगी बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।